आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ एक शाही डिश शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम ही है शाही टुकड़ा। ये एक स्वीट डिश है और फटाफट बन जाती है और इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। पार्टी में आपके लिए डेजर्ट बहुत अच्छा है कि आप इसको बना के रख सकते हैं और डेजर्ट टाइम पर आप सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं ये शाही डिश। तो चलिए शुरू करते हैं अपना शाही टुकड़ा बनाना। इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड जो कि हमने ऐसे ट्रायंगल शेप में कट कर ली है, 2 ग्लास दूध, 1 बाउल चीनी, थोड़ा सा इलायची पाउडर और ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है जिसको मैंने चॉप्ड कर लिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इन इंग्रेडिएंट्स से अपना शाही टुकड़ा बनाना। तो सबसे पहले हम एक पैन चढ़ाएंगे और इसमें हम डालते हैं जो हमने मिल्क लिया हुआ है, ये हमने 2 ग्लास दूध लिया है, इसको हम थोड़ा बॉईल करते जाएंगे और इसको हम रिड्यूस करके हाफ कर देंगे। जैसे आप रबड़ी बनाते हैं उतना थिक नहीं करना है लेकिन थोड़ा सा थिन रहेगा उससे, और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। और साथ ही में हमने दूसरी तरफ गैस पे चढ़ा दिया एक पैन, इसमें हम डालेंगे अपना ये 1 बाउल चीनी, इसकी हमें चाशनी बनानी है और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप ऑफ वाटर। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे चीनी हमारी इसमें घुल जाए कायदे से। ये देखिए चाशनी हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है। हमको इसको बहुत गाढ़ा नहीं करना है, हल्का सा इसमें तार बनने लगे बस उतना ही करना है, नहीं तो हम इसमें जब ब्रेड डिप करेंगे तो बहुत हार्ड हो जाएगी। इसलिए अभी जो स्टेज है चाशनी की, हम इस स्टेज पे इसको बंद कर देंगे। तो ये देखिए दूध हमारा ऐसे ऐसे बॉयल हो रहा है और इसमें किनारे जो मलाई आ रही है इसको हम निकाल के फिर से दूध में ही मिक्स कर देंगे, इससे राबड़ी हमारी जो है बहुत ही अच्छी बनेगी। तो हमको इसको रिड्यूस करके हाफ करना है। तो ये देखिए दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब इसमें बहुत से लोग जो है केसर का यूज करते हैं, अगर आपके पास केसर है तो आप केसर को पानी में भिगो दूध में भिगो के इसमें मिक्स कर सकते हैं, उससे इसमें अच्छा सा येलो कलर और फ्लेवर भी आ जाएगा। बट अगर आपके पास केसर नहीं है तो क्या करेंगे आप, वैसा कलर और टेक्सचर लाने के लिए और इससे थोड़ा हेल्दी भी हो जाएगा दूध हमारा। तो मैंने क्या किया है, 1 ग्लास में मैंने थोड़ा सा दूध लेके उसमें मैंने पिंच ऑफ हल्दी ऐड की है। अब इस दूध को हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस दूध में। बस अब आपका ये दूध जो है एकदम आप को बाद में जब आप बॉईल करेंगे इसको अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे हम लोग, तो हमको ये जो टेक्सचर मिलेगा वो वैसे ही मिलेगा जैसे हमको केसर डाल के मिलता है। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। और आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, इसमें आपको हल्दी का टेस्ट आएगा बिल्कुल भी नहीं आएगा। दूध पकने के बाद हल्दी का टेस्ट इसमें आपको कहीं भी पता नहीं चलेगा। तो चलिए इसको थोड़ा भी हम और थिक करते हैं इस दूध को। देखिए हमारी राबड़ी तैयार हो गई है, देखिए आपको दिख रहा है ना हल्का हल्का इसमें मलाई, और ये मलाई इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। अब इसमें हम थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा शुगर ऐड नहीं करनी है हमको, थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हमारे पास चाशनी हमने बना के रखी है जो कि ऑलरेडी मीठा है हमारे पास, तो बस थोड़ा सा राबड़ी को टेस्ट देने के लिए शुगर ऐड करेंगे और बस शुगर बस घुल जाए इसमें, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। चाशनी हमारी रेडी हो गई है। तो चलिए आगे देखते हैं अब क्या करना है हमको। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने एक कढ़ाई में घी डाला है, उसको गरम कर लिया है, बहुत गरम नहीं करेंगे क्योंकि हमको ब्रेड को फ्राई करना है। अब हम इसमें एक एक करके ये ऐसे पीसेस डालते जाएंगे। इस डिश को हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें डिश ब्रेड को फ्राई करने की जगह आप इसको टोस्टर में अच्छे से टोस्ट करके भी रख सकते हैं।
क्योंकि हमको इसको एक क्रंची सा टेस्ट देना है, इसलिए हम इसको फ्राई कर रहे हैं। और हल्का हल्का दोनों तरफ से इसको हम रेडिश कर लेंगे, रेडिश ब्राउन, और उसके बाद इसको निकाल लेंगे। तो ऐसे ही अपनी ये सारी ब्रेड जो हमने ये 4 ब्रेड्स ली थी ट्राइंगल शेप में, इन सबको हम ऐसे फ्राई करके बना लेते हैं। 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 길고 긴 तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसको हम प्लेटिंग करना, ये हमने ब्रेड का पीस लिया, इसको हम इस चाशनी में ऐसे डिप कर देंगे। ज़्यादा देर डिप नहीं करना है, बस दोनों तरफ से अच्छे से डिप हो जाए और इसको फिर हम निकाल लेंगे। ऐसे हमको जितना सर्व करना है हम उसको निकालते जाएंगे ब्रेड को। ये पार्टी के लिए अच्छा डेजर्ट है, आप इसको अलग अलग बना के रख सकते हो। जब आपको सर्व करना हो तो आप इस ब्रेड को इस चाशनी में ऐसे डिप करिए, प्लेट में रखिए और राबड़ी इसके ऊपर डालेंगे तो बहुत यम्मी लगता है, फटाफट बन भी जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है ये, और खाने में बहुत यम्मी लगता है। तो ये हमने इसको चाशनी में डिप करके निकाल लिया है। अब इसके ऊपर हमने ये जो रबड़ी बनाई है इसको हम पोर करेंगे, थोड़ा थोड़ा हर ब्रेड के ऊपर डालते जाएंगे, जिससे इस पर अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और बस इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे अपने ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने कट किए हुए हैं, इनको डालिए। ड्राई फ्रूट्स आपकी अपनी इच्छा के अनुसार है, आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने ड्राई फ्रूट्स डाले और इसके बाद हम इस पर थोड़ा सा इलायची पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। इलायची का टेस्ट इसमें बहुत यम्मी लगेगा। इसको आप ठंडा करके खाइए, ऐसे खाइए, दोनों उसमें ये बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आपको मेरे ये डिज़र्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और इस शाही टुकड़े को खाइए और इन्जॉय करिए।